fine. Let us start these methods of preparation of haloalkanes. Not start, continue, because two we have already done. Halogenation of alkanes and addition of HX to alkene we have already done. तीसरा है from alcohol. Alkyl halide को alcohol से बनाने के तीन method है. First है by adding HX. X stands for halogen, fluoro, chloro, bromo and hydro. So HCl, HBr, HI को हम add करेंगे. और start करने से पहले we must know what is the reactivity order. HI की reactivity सबसे ज्यादा है because HI की bond length ज्यादा होती है, easily break हो जाएगा. So हमने ethanol में HCl डाला. मैंने अभी बोला इसकी रिएक्टिविटी कम है तो इसको कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए, तो एनहाइड्रस ZnCl2 हम लोग यूज करेंगे. एनहाइड्रस ZnCl2 करता क्या है, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद करता है. कैसे मदद करता है, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना वो इसमें अपना डोनेट कर देता है जिससे कि बॉन्ड बन जाता है और ये कार्बोकेटायन मैकेनिज्म के थ्रू ही रिएक्शन होगी. सो एनहाइड्रस ZnCl2 OH हटेगा, उसकी जगह पे Cl आ जाएगा और H और OH मिलके वाटर बना देंगे. अब ये तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, सो इट विल रिमेन एज सच. एनहाइड्रस का मतलब होता है वाटर शुड नॉट बी देयर. व्हाई सो, बिकॉज अगर वाटर होगा तो वो अपना लोन पेयर जिंक को दे देगा तो जिंक रिएक्शन कब करेगा. सो ZnCl2 का काम है इस बॉन्ड को ब्रेक करना, राइट. रोल ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इज टू ब्रेक ROH. R कौन है, इसको हम R कहते हैं, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप हो, एल्काइल, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है. अब इंटरेस्टिंग बात देखो कि कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को लुकास रीजेंट भी कहते हैं. ये जो लुकास रीजेंट है ये डिस्टिंग्विश करने के काम आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स को. हाउ, सपोज हमारे पास यहाँ तीन बीकर रखे हैं, एक में प्राइमरी है, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शरी एल्कोहल है. और अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कैसे पता चला कि एक में प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शरी, तो आप क्या करेंगे, तीनों में ये ऐड कर देंगे लुकास रीजेंट. जैसे आप लुकास रीजेंट ऐड करेंगे, जो टर्शरी वाला एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल कौन होता है, जिस कार्बन पर OH है वो फर्दर तीन R यानी कि एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है या कार्बन से जुड़ा है, इसमें रिएक्शन हो जाएगी इमीडिएटली. अब हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन हो गई है, देखो जैसी रिएक्शन होगी मींस ये वाइट पीपीटीज बनेंगे और ये वाइट पीपीटीज इसमें डिसॉल्व नहीं होते पूरी तरह से, तो टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है. तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली तो वो टर्शरी वाला बीकर है. और सेकेंडरी एल्कोहल में रिएक्शन होती है आफ्टर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी आएगी तो वो सेकेंडरी है. और प्राइमरी वाले में या तो आफ्टर लॉन्ग टाइम टर्बिडिटी आती है या फिर ऑन हीटिंग आती है. तो दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ओके, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल. अब हमने ये तो पढ़ लिया इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्कोहल कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, टर्शरी वाला. व्हाई सो, राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि दिस रिएक्शन इज थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और कार्बोकेटायन टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. अब तुम अगर स्टेबल है तो रिएक्टिव कैसे होगा, स्टेबल है तभी तो जल्दी बनेगा. जल्दी बनेगा वो तो इंटरमीडिएट है, उसको तो प्रोडक्ट बनाना ही बनाना है. तो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतनी जल्दी फॉर्म होता है, उतनी जल्दी रिएक्शन प्रोसीड होगी, राइट. अब एक और क्वेश्चन है कि मेरे पास HBr नहीं है लैब में, ये HBr आई डोंट हैव इन द लैब, तो हम क्या करेंगे, KBr और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर लेंगे एल्कोहल के साथ, ठीक है. ये दोनों मिलके इन सीटू का मतलब होता है इनसाइड द रिएक्शन मिक्सचर HBr बनाएंगे. अब ये HBr रिएक्शन करेगा OH को हटा के Br आ जाएगा और वाटर बन जाएगा. अब यहाँ पर हमने एनहाइड्रस ZnCl2 क्यों नहीं लिया, अभी तो बताया कि HCl नलायक है, कम रिएक्टिव है, इट रिक्वायर्स, बट ये तो नलायक नहीं है, थोड़ा सा उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए. इसमें हमको रिफ्लक्स करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है फॉर लॉन्गर टाइम रिएक्शन मिक्सचर को, नथिंग एल्स. सो ये HBr आपका RBr आ जाएगा. आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि क्या हम, हमारे पास एच आई भी नहीं है तो क्या हम के आई और सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं एल्कोहल के साथ, आंसर है नो. इसको तो आप यूज कर सकते हो बट के आई एंड सल्फ्यूरिक एसिड के नॉट बी यूज विद एल्कोहल बिकॉज एच आई तो बनेगा बट वो सल्फ्यूरिक एसिड की रिडक्शन कर देगा.
जैसे ही बनेगा इसको ही खा जाएगा, इसकी रिडक्शन कर देगा। जब यही फिनिश हो जाएगा तो एच आई कहां से बनेगा? देखो एसओ टू में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, खुद आई टू में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी कांट यूज के आई एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद एल्कोहल। ओके, दूसरा मेथड है विद पीसीएल 3 एंड पीसीएल 5, दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा है, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं दोनों। पीसीएल 3 कभी कभी एरो के ऊपर पी प्लस सीएल 2 लिखा होता है, एक ही बात है। पी प्लस सीएल 2 लिखा हो या पीसीएल 3 लिखा हो, एक ही बात है। पीसीएल 5 और पीसीएल 3 में डिफरेंस क्या है? दोनों ही ओ एच से सीएल बनाएंगे, दोनों के बाय प्रोडक्ट्स अलग अलग है। जब हम पीसीएल 5 यूज करते हैं, 5 क्लोरीन होने के बावजूद भी बोलते हैं मैं एक दूंगा, इतना कंजूस है ये। एक क्लोरीन देगा ओ एच हटेगा सीएल आएगा, और एक जो ओ है वो पीओ सीएल 3 बना देगा, एच सी एल बन जाएगा। ये देखो बाय प्रोडक्ट सी वाले है। पीसीएल 3 बोलता है तो 3 क्लोरीन पर तीनों ले जाओ, तुम 3 एल्कोहल लाओ, ये तीनों के तीनों क्लोरीन दे देगा। देखा इसकी दरिया दिली। सो एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल आएंगे, 3 ओ एच हटेंगे और यहाँ पे 3C2H5Cl बनेगा। अब यहाँ पे 3O, 3H और एक टी स्क्वायर हो गया, वापस में बॉन्ड बना लेंगे, H3VO3 बन जाएगा। तीसरा मेथड है एल्कोहल से विद SOCl2। द नेम ऑफ SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड, इसे हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, और इसे डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं। हम कहते हैं डार्लिंग रिएक्शन है क्योंकि बहुत अच्छी है। कैसे? C2H5OH पे SOCl2 डालोगे, ये OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से और एक HCl के साथ चला जाएगा, दो प्रोडक्ट्स बनके। तीसरा, ये ऑक्सीजन SO2 के पास जाएगा, SO2 बन जाएगा। What is the interesting thing about this reaction? कि both the byproducts are gases, they will leave the reaction mixture and you will get pure alkyl halide. This is the method where no contamination of alkyl halide is there. आपको pure alkyl halide मिलेगा, because जो gaseous, जो byproducts हैं, वो gaseous in nature है, they will leave the container. Okay. So this is the preferred method. अगर मैं आपसे पूछूं alcohol से best method कौन सा है तीनों में से, तो answer है SOCl2 वाला। एक छोटा सा तुम्हें एक वो देती हूँ, ये देखो। इसका नाम है cyclohexanol, right? अब इसमें तुम HCl और ZnCl2 डालो तो क्या बनेगा? Very simple, OH को हट के Cl आ जाएगा। और अगर मैं इसमें SOCl2 डालूं तो भी क्या होगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा। और अगर मैं इसकी बजाय PCl3 डाल दूं तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, राइट? तो एल्कोहल से 3 मेथड्स हैं, HX, SOCl2, PCl3 और PCl5। PBr3 भी कभी कभी यूज कर सकते हैं। आई हैव सीन समवेयर कि P प्लस ब्रोमीन लिखा होता है तो मतलब PBr3 है बेसिकली। PBr5 हम लोग नहीं सोचते क्योंकि PBr5 इतनी आसानी से स्टेबल नहीं होता है। ब्रोमीन का साइज बड़ा है ना, तो PBr5 स्टेबल नहीं होता। तो नॉर्मली आप PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन आती है। ओके, नेक्स्ट सोर्स रिएक्शन हमने पहले कर ली थी, हैलाइड एक्सचेंज है और ये स्पेशली फ्लोरोएल्केन के लिए होती है। या तो आप AGF यूज कर लो या HGF2 यूज कर सकते हो, हैलाइड एक्सचेंज हो जाएगा। वी हैव डन दैट हियर। नेक्स्ट है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फर्स्ट थिंग, फिंकलस्टीन रिएक्शन इज स्पेशली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइडोएल्केन ओनली। इससे केवल आइडोएल्केन बनेगा और कोई नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, क्लोरोइथेन ले लो या ब्रोमोइथेन ले लो, उसमें NaI डाल दो और एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। Cl और I अपनी जगह को बदल लेंगे, इसे बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन? ये रिएक्शन हो क्यों रही है? देखो उसका रीजन है, जो एसीटोन है ना मेन यही कल्प्रिट है। एसीटोन एक हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है और NaI हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है। NaBr और NaCl आयोनिक कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है उनमें। तो ये दोनों एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होंगे बट NaI डिसॉल्व हो जाएगा। जब ये तीनों डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे थोड़ा सा NaCl बनता है ये सेटल डाउन हो जाता है बिकॉज सोल्यूबल नहीं होता। जैसे ही ये इनसोल्यूबल होता है, नीचे सेटल डाउन होता है, रिएक्शन फटाफट फटाफट आगे बढ़ती चली जाती है अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल। ली शैटलर ने कहा था अगर किसी रिएक्शन में एक प्रोडक्ट को गायब कर दो, अब तुम गायब तो नहीं, अरे गायब भी हुआ, नीचे बैठ गया ना, बैठ गया मीन्स रिएक्शन के अंदर तो नहीं है ना मिक्सचर में,
तो रिएक्शन कहती है ओए हमारा MnCl चला गया, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली आगे प्रोसीड करती चली जाएगी. विदाउट एसीटोन दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन. नेक्स्ट है हंस सीकर बोरोडीन रिएक्शन. हंस एक बर्ड होता है, वाइट होता है, सिल्वर भी वाइट होता है, तो हंस वाली रिएक्शन सिल्वर है. अच्छा इसको कैसे याद करेंगे, हम इसे याद करते हैं फिंकलस्टीन नाई है. बार बार बोलो फिंकलस्टीन नाई है. नाई वाली रिएक्शन फिंकलस्टीन है, क्योंकि हमें तरीके तो ढूंढने पड़ेंगे ना रिएक्शन को याद कैसे करेंगे एग्जाम पर. सो फिंकलस्टीन नाई है. ओके हंस डीकर, हंस वाइट होता है, सिल्वर भी वाइट होता है. तो सिल्वर सॉल्ट ले लो एसिड का. देखो यहां मैंने क्या लिया, CH3CH2COOAG, मतलब मैंने H हटा दिया, AG ले लिया. जैसे H हटता है कोई मेटल आता है तो उसे सॉल्ट कहते हैं, राइट. ये वैसे तो था प्रोपेनी प्रोपेनोइक एसिड, अब ये बन जाएगा सिल्वर प्रोपेनोएट, इसका नाम है ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड भी कह देते हैं हम लोग. बोरोडीन है तो ब्रोमीन यूज करेंगे. CCl4 कहां से आया, अरे CCl4 सॉल्वेंट है, दोनों को डिसॉल्व करने के काम आता है. बिना डिसॉल्व किए रिएक्शन कैसे हैपन होगी. सो एक Br Ag ले गया, एक Br इथाइल ले गया और CO2 फिर से उड़ गया. देखो प्रोडक्ट कितनी इजीली याद हो जाएंगे. देन वी थॉट कि बोरोडीन ही क्यों लगाया है, क्या हम क्लोरीन नहीं ले सकते, तो हमने रिएक्शन क्लोरीन के साथ करी. Yield was poor. Yield का मतलब है जो प्रोडक्ट बना था बहुत थोड़ा बना था, अब हमें अपना सामान वेस्ट थोड़ी ना करना, दैट्स व्हाई क्लोरीनेशन नहीं करते हैं. आयोडीन के साथ ट्राई किया, माजिक हो गया, यानी कि एस्टर बन गया. सोचा तो ये था कि ये भी आयोडीन बनाएगा बट नहीं बना. देखो क्या हुआ, सेम रिएक्टेंट भी है टिकन, I2 ले लिया, यहाँ पे तो दोनों आई सिल्वर के साथ ही भाग गए, लो भाग गए ही, और एक CO2 निकल गया दो में से. यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करी थी, यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स करेंगे, CO2 भी निकल गया, दो थे ना CO2, एक निकल गया एक रह गया, CH3CH2COO और CH2CH3 हमारा एस्टर बन गया. इस रिएक्शन को हम कहते हैं बिन बॉम सिमोनिनी रिएक्शन, है ना मैजिक वाला नेम, दैट्स व्हाई आई कॉल इट मैजिक हो गया. बिन बॉम सिमोनिनी रिएक्शन कहते हैं इसको. नेक्स्ट है एलाइलिक हैलोजिनेशन. एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है सोचो, जो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन होता है इसे कहते हैं एलाइलिक कार्बन, और इसका जो हाइड्रोजन है एलाइलिक हाइड्रोजन. अगर हम किसी भी एल्कीन में जिसके पास एक एलाइलिक कार्बन होना चाहिए क्लोरीन और 700 केल्विन टेम्परेचर ले, यानी कि हाई टेम्परेचर, और कभी कभी लिखा होता है 400 डिग्री सी, बात तो एक ही है, 400 में 273 ऐड करो तो केल्विन बन जाता है 773. नियर अबाउट 400 डिग्री सी केल्विन पर जो हमारा क्लोरीन है वो इन दोनों पर नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं एलाइलिक क्लोरीनेशन. अब यहाँ मैंने एक रिएक्शन शो करी है कि क्लोरीन डाला है, अब हमने यहाँ पे 400 केल्विन 400 डिग्री सी नहीं ऐड किया. अगर हम हाई टेम्परेचर नहीं लेते तो ये क्लोरीन डबल बॉन्ड पर ही जाएगा. तो देखो क्लोरीन यहाँ आया, इन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस देख लो, 400 डिग्री सी का डिफरेंस है. अगर आप 400 डिग्री सी डालोगे तो एलाइलिक हो जाएगा, और अगर नहीं ऐड करोगे तो एडिशन हो जाएगा. दिस इज सब्स्टिट्यूशन, दिस इज एडिशन. SO2Cl2 का नाम भी है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ये भी एलाइलिक हैलोजिनेशन करता है. कंफ्यूज मत होना, उसमें एक ऑक्सीजन है, दैट वाज थायोनाइल क्लोराइड, इट इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड. तो ये भी आपका क्लोरो एलाइलिक क्लोराइड बन गया. इसे बोलते हैं NBS. व्हाट इज NBS? N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ये हिस्सा सक्सिनिमाइड है, यहाँ पे अगर H लगा दो तो बन जाता है सक्सिनिमाइड, उसका H हटा के ब्रोमो लगाया तो हमारा कंपाउंड बना N ब्रोमो सक्सिनिमाइड. और इसका काम भी क्या होता है, ये ब्रोमीन को धीरे धीरे रिलीज करता है, कि सब्स्टिट्यूशन होती है एडिशन नहीं होती. इसमें भी हमारी हो जाएगी एलाइलिक ब्रोमिनेशन, बाय प्रोडक्ट बनेगा सक्सिनिक एसिड, यहां से कट जाएगा, नाइट्रोजन बना देगा अमोनिया जो कि वाटर में जाके NH4OH बन जाता है, एंड ये आपका बन जाएगा सक्सिनिक एसिड, ठीक है. सो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो.